इस वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपनी फेवरेट शो सीरियल तेरा मेरा साथ रे के बारे में। भाई तेरा मेरा साथ रे के अपकमिंग एपिसोड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग तो होने वाले हैं, क्योंकि भाई प्रिया मोदी परिवार में रहेगी तो भाई जाहिर सी बात है शो में हमको काफी सारे हंगामे देखने को मिलने वाले। लेकिन भाई इसी बीच जैसा कि मैं आपको काफी बार बता ही चुका हूँ, जो वीक टू की TRP आई थी वो इतनी ज्यादा खास नहीं आई थी, और तेरा मेरा साथ रे की जो अभी तक की सबसे ज्यादा लोएस्ट TRP थी यानी 0.4 वो TRP आई थी। तो भाई इसका यही रीजन है कि प्रिया वाला ट्रैक चल रहा था भाई ये फैंस को बिल्कुल भी नहीं पसंद आ रहा है। और भाई जैसा कि हम सभी को पता है जब से प्रिया आई है तब से भाई शो में सॉरी यहाँ पर मोदी परिवार के सदस्य के ऊपर तो मुसीबत ला ही रही है। लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई प्रिया का जो ये कैरेक्टर है ये शो पर भी मुसीबत ना लाए, क्योंकि भाई मेरे ऐसा कमेंट बॉक्स भरा भरा है जहाँ पर भाई लोगों ने अपनी राय लिखी है। और भाई हर राय में ज्यादातर लोग यही बोल रहे हैं, ज्यादातर लोग ऐसा ही बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई अगर प्रिया का कैरेक्टर नहीं खत्म होगा तो वो शो को देखना बंद कर देंगे, वो बिल्कुल भी इंजॉय नहीं कर रहे हैं प्रिया का कैरेक्टर। बाकी आपकी जो राय आप भी लिखकर जरूर बताना, उनमें से कुछ आप कमेंट है आप खुद उनके स्क्रीनशॉट देख सकते हो। यहाँ पर भाई एक यूजर ने लिखकर बताया कि बकवास स्टोरी होती जा रही है ये प्रिया की शादी होने के बाद। तो वही दूसरे यूजर ने लिखकर बताया है कि भाई लगता है कुछ नया दिखाने के लिए है नहीं, शादी का मजाक बना रखा है, इतने लोगों को बेवकूफ बनाकर दुल्हन का कैसे अदला बदली हो सकते, मतलब इनका यही बोलने का सेंस है। इतने लोग थे मोदी परिवार में लेकिन भाई जिस तरीके से हमको शो में दिखाया गया एक बार नहीं दो तीन बार यहाँ पर भाई दुल्हन की अदला बदली बड़ी आसानी से हो जाती है, ये सब कैसे हो गया। वहीं एक और यूजर ने लिखकर बताया कि भाई शो को तो बिल्कुल पूरी तरीके से बकवास कर दिया। तो वहीं दूसरे यूजर लिखते हैं भाई पक चुके हैं प्रिया को देख देख कर, अब से शो देखना बंद। वहीं दूसरे यूजर और लिखते हैं भाई यहाँ पर आज से ये शो हम नहीं देख रहे हैं क्योंकि भाई प्रिया का जो चैप्टर है वो खत्म होना चाहिए, शो बकवास हो चुका है पूरी तरीके से। तो वहीं यहाँ पर दूसरे यूजर ने लिखा है भाई अब ओवर हो गया है प्रिया को देखने के, निकाल फेंको यार इसको। तो वहीं दूसरे यूजर ने ये भी लिखा है भाई मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है प्रिया से शादी होने के बाद, अगर ऐसा ही शो होता रहा तो भाई शो देखना मैं बंद कर दूंगा। वहीं दूसरे यूजर भाई ये तो लिख रहे हैं भाई मैंने तो शो देखना ही बंद कर दिया। तो वहीं एक और यूजर ने बिल्कुल ऐसा ही लिख रहा है बकवास शो है मैंने तो शो देखना ही बंद कर दिया। तो भाई जैसा कि आप सभी को पता है इतने सारे कमेंट बॉक्स का यही मानना है कि ज्यादातर लोगों को ये शो बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा है। वहीं एक और यूजर के कमेंट देख लेते हैं यहाँ पर भाई इन्होंने ये लिखकर भेजा हुआ है प्रिया की स्टोरी खत्म होने के बाद रमला और आशी की अगर कलाकारिया हो तब शायद शो में वही मजा आ जाए। तो जैसा भाई मैं इनसे पूरी तरीके से एग्री करता हूँ कि अगर यहाँ पर प्रिया के कैरेक्टर के साथ साथ रमला और आशी की जो कलाकारियां वो भाई बहुत ही ज्यादा फीकी पड़ी यहाँ पर, जो इवन आशी का कैरेक्टर काफी ज्यादा पॉजिटिव भी हो चुका है लेकिन आशी और रमला की जो कलाकारी है भाई उनकी तो अलग ही फीलिंग है। बाकी आप क्या सोचते हो तेरा मेरा साथ रहे के रिगार्डिंग, जो ये तेरा मेरा साथ रहे में अभी प्रिया वाला चैप्टर चल रहा है, क्या आप इसको इतना ही ज्यादा एंजॉय कर रहे हो जैसे कि बाकी यूजर्स कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं? जो भी राय कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूले। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को भी लाइक कर देना, इसी तरीके की इंटरेस्टिंग जानकारी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।